हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसपीडीटी एंड डीपीडीटी रिले। आपने इस टाइप की रिलेज को बहुत यूज किया होगा। अगर आपने यूज ना भी किया हो तो आपने इनके बारे में पढ़ा जरूर होगा या आपने इस टाइप की रिलेज देखी जरूर होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एसपीडीटी रिले और डीपीडीटी रिले में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों ही रिले में। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास एक रिले है और इस रिले को हम लोग बोलते हैं एसपीडीटी रिले। अब ये एसपीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसपीडीटी का फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल डबल थ्रू रिले। एंड इस रिले को हम लोग सिंगल पोल डबल थ्रू रिले क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिले के अंदर हमको एक तो कॉमन टर्मिनल मिलता है एंड एक ही एनो टर्मिनल मिलता है और एक ही एनसी टर्मिनल मिलता है। अब ये कॉमन एनो एनसी टर्मिनल क्या होते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड एक दूसरी रिले होती है हमारे पास और इस रिले को हम लोग बोलते हैं डीपीडीटी रिले, और ये डबल पोल डबल थ्रू रिले होती है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल पोल है लेकिन यहाँ पे हमारे पास डबल पोल है। अब ये डबल पोल का मतलब क्या होता है? ये जो हमारी डीपीडीटी रिले होती है ना, इनमें हमको दो कॉमन टर्मिनल मिलते हैं और दो ही हमको यहाँ पे एनो टर्मिनल मिलते हैं एंड यहाँ पर दो ही हमको एनसी टर्मिनल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ एक ही सर्किट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप लोग एसपीडीटी रिले को अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ एक बार में एक ही सर्किट को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे एनओ एनसी आपके पास दो टर्मिनल हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपकी कॉइल पे आप सप्लाई दो तो उस टाइम पे आप लोग सिर्फ एक ही सर्किट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, एक ही सर्किट को आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर हम डीपीडीटी रिले की बात करें तो उसके कंडीशन में यहाँ पे, क्योंकि ये डबल पोल है तो यहाँ पे हम दो सर्किट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो सर्किट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों रिले में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मेन डिफरेंस है इन दोनों ही रिले में, एसपीडीटी और डीपीडीटी रिले में, वो है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, इसका अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन समझ गए कि भाई किस तरीके से ये रिले बनी हुई है, इनका इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है, तो आप लोग समझ जाओगे कि एसपीडीटी और डीपीडीटी रिले में क्या अंतर है। यहाँ पे हमारे पास एक, आपको ये एक छोटा सा वीडियो दिखाया जा रहा है एंड ये जो वर्किंग हो रही है या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये एक एसपीएसटी रिले का है, ठीक है। यहाँ पे ये एसपीएसटी का मतलब होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक हमारे पास यहाँ पे कॉइल है एंड यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी है, ये हमारी कॉइल है। जैसे ही बैटरी, क्योंकि स्विच के साथ लगी हुई है, हम लोग इस कॉइल को एक स्विच की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे स्विच को ऑन किया जा रहा है तो हमारी कॉइल पे सप्लाई आ रही है एंड कॉइल हमारी मैग्नेटाइज हो जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही कॉइल मैग्नेटाइज हो रही है तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास दो कॉन्टैक्ट है एंड जैसे ही यहाँ पे कॉइल मैग्नेटाइज हो रही है तो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एंड पहले एनो था और जैसे ही कॉइल मैग्नेटाइज हुई तो ये अब एनसी बन गए, और एनसी बनते ही ये सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक, मान के चलो ये एसी जनरेटर लगा रखा है एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक इंडिकेटर लगा रखा है, हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, लाइन को हम लोग इस रिले की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं एंड जैसे ही कॉइल हमारी मैग्नेटाइज हो रही है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये एनओ एनसी बन रहा है एंड हमारा यहाँ पे लैंप ऑन हो जा रहा है, ठीक है। ये हमारा एक नॉर्मल रिले का वर्किंग है, ये एक हमारा एक नॉर्मल एसपीएसटी रिले का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये हमारा एक सिंगल पोल रिले है। अगर हम लोग सेम अगर डबल पोल डबल थ्रू रिले की बात करें तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन देखो किस तरीके से होता है। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं एसपीडीटी रिले का एक सिंबल। तो यहाँ पे हमारे पास सिंबल है, ये हमारी कॉइल है, ठीक है। ये जो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं ना, ये इसकी कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल हो गई एंड उसके बाद ए बी और सी, यहाँ पे तीन टर्मिनल्स हमको मिल जाते हैं एंड यहाँ पे सी टर्मिनल जो है ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमन है एंड उसके बाद बी वाला टर्मिनल जो है हमारा, ये इसका एनसी टर्मिनल है और ए वाला जो टर्मिनल है ये इसका एनो टर्मिनल है। मतलब कि जब कॉइल पे सप्लाई नहीं रहेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे आपने कॉमन टर्मिनल पे आपने लाइन वन कनेक्ट किया हुआ है और आपने यहाँ पे एनो टर्मिनल से आप आउटपुट ले रहे हो, ठीक है। ये आपका, यहाँ से आप लोग आउटपुट ले रहे हो एंड यहाँ पे एनसी लगी हुई है। अब इस एनसी से मान के चलो आपने कोई इंडिकेटर ऑन करवा रखा है,
ठीक है। यहाँ से आपने कोई इंडिकेटर ऑन करवा रखा है, मान लो अलार्म पर्पस के लिए, या फिर मान के चलो यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट है आप ये दिखाना चाहते हो इस इंडिकेटर की मदद से कि आपका जो आउटपुट है वो इस कंडीशन में ऑफ है, ठीक है। क्योंकि अगर ये इंडिकेटर ऑन होगा तो इसका मतलब आपका आउटपुट ऑफ होगा, ओके। एंड जैसे ही यहाँ पे कॉइल पे सप्लाई आएगी तो कॉइल पे सप्लाई आते ही क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे एनसी था ना, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे कॉमन इस बी वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट था, अब वो इस तरीके से ए वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका पहले एनओ था वो आपका एनसी बन जाएगा, एंड जो आपका एनसी था वो आपका एनओ बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एनओ बन जाएगा एंड ये आपका एनसी बन जाएगा, लेकिन ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब आपकी कॉइल पे कोई सप्लाई आएगी, जो भी इसका वोल्टेज होगा, यानी कि जिस वोल्टेज की आपकी कॉइल होगी, मान के चलो आपका जो ये रिले है इसकी कॉइल 5 वोल्ट डीसी की हो, या फिर 9 वोल्ट डीसी की हो, या फिर 12 वोल्ट डीसी की भी हो सकती है, ठीक है, 24 वोल्ट डीसी की भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा कि आपका एनओ एनसी और एनसी एनओ बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई डीपी डीटी रिले है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कॉमन है, एक एनओ है और एक एनसी है। लेकिन डीपी डीटी रिले में क्या होगा, क्योंकि ये डबल पोल रिले है तो यहाँ पे हमको दो तो कॉमन मिलेंगे, वर्किंग सेम है, ठीक है, सेम तरीके से काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दो कॉमन होंगे यहाँ पे डीपी डीटी रिले में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो तो हमारे पास कॉमन होंगे और दो ही हमारे पास एनओ टर्मिनल होंगे और दो ही हमारे पास एनसी टर्मिनल होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग कॉमन पे तो हम सेम सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सेम हमने कोई मान के चलो L1 से हमने कोई सप्लाई कनेक्ट करी, लेकिन अब हम A1 और A2 ये जो हमारे, क्योंकि ये तो एनओ टर्मिनल होंगे, तो इन दोनों ही एनओ टर्मिनल से हम अलग अलग आउटपुट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो यहां से आपने कोई आउटपुट 1 कंट्रोल किया, तो ये मेरा कोई आउटपुट 1 है, एंड यहां से मैंने कंट्रोल कर लिया कोई आउटपुट 2, ठीक है, तो यहां से मैंने कोई आउटपुट 2 कंट्रोल कर लिया। तो इस तरीके से मैं डीपीडीटी रिले को यूज करके कोई भी दो आउटपुट्स को कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे कॉइल एक ही है, तो मान के चलो ये 5 वोल्ट का कोई रिले है, तो यहां पे मैंने इसको 5 वोल्ट प्लस दिया एंड यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको इसकी कॉइल में सप्लाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनओ एनसी बनेगा एंड एनसी एनओ बनेगा। अब इसका B1 वाला, ये वाला जो इसका टर्मिनल है ना, B1 वाला, ये इसका एनसी है, और इसी तरीके से ये B2 वाला टर्मिनल जो है ये इसका एनसी है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन SPDT और DPDT रिले में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि SPDT और DPDT रिले में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है इस रिले में, या फिर अगर आपको जानना है कि SPDT रिले और DPDT रिले के प्रैक्टिकली किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, या फिर अगर आप और भी किसी भी टाइप की रिले के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो आप लोग प्लीज जरूर बताया करो कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।